किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल परवल और पन की सब्जी। अब मैं प्रॉन में डालूंगी थोड़ा हल्दी, नमक और इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल। अब तेल है गरम हो गया, इसमें डालूंगी मैं परवल। देखिए परवल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। और इसको लो मीडियम पर थोड़ा फ्राई करना है। आलू में अब डालूंगी मैं थोड़ा सा हल्दी, जिससे आलू का कलर अच्छा आएगा, और थोड़ा सा नमक। ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर आलू को फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम हाई कर देंगे तो ऊपर से ये फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये पूरा फ्राई नहीं होगा। अब देख सकते हैं आलू कितने अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल दूंगी। अब मैं उसी कढ़ाई में जो प्रॉन का हल्दी और नमक मिक्स करके रखी थी वो डाल दूंगी। प्रॉन को बस थोड़ा ही फ्राई करना है, 30 सेकंड तक इसको फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करने से ये बहुत हार्ड हो जाता है, बस हल्का ही फ्राई करना है इसको। प्रॉन को सॉफ्ट रखने के लिए मैं बस 30 सेकंड इसको फ्राई करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है इसको। वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिए मैं इसके बाद क्या क्या डाल रही हूँ। अब जो है प्रॉन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, मैं अब इसको निकाल रही हूँ।
मैं उसी कढ़ाई में डाल रही हूँ और थोड़ा सा तेल। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ता, गरम मसाला और जीरा। इसको अच्छे से भूनना है। 20 से 30 सेकंड इसको फ्राई करना है। फ्राई हो चुका है मेरा, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है। जब तक मेरा प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं एक पेस्ट बना के रेडी करती हूँ। उसके लिए चाहिए मुझे नारियल, 4 से 5 हरी मिर्च और खसखस, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी डाल के इसका अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। मेरा प्याज अच्छी तरह से पक चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। दो तीन मिनट तक इसको फ्राई करना है अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल के इसको अच्छे से फ्राई करना है। मेरा जो मसाला है वो अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 2 टमाटर जो मैंने अच्छे से काट लिया हूँ। मेरा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी नारियल, खसखस और हरी मिर्च का जो मैं पेस्ट रेडी करके रखी थी। मेरा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई किया हुआ आलू और इसको अच्छे से मसाला के साथ मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। मैं डालूंगी नमक, नमक डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ढक के। 5 मिनट बाद देखिए मेरे ग्रेवी कितने अच्छे से पक चुका है।
अब मैं इसमें डालूंगी परवल और प्रॉन। फिर से मैं इसको ढक के 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी। 4 मिनट बाद देखिए मेरा जो रेसिपी है वो रेडी हो चुका है बनके। कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला और डालूंगी 2 चम्मच घी। डालने से सब्जी का जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो बहुत अच्छा आता है। और इसमें डालूंगी मैं अब हरी मिर्च, इसको अच्छे से मिला दें। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।